देवरी जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरा चंद्रभान गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने अवैध असलहा से फायरिंग कर दी और जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल की हालत नाजुक देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले में जुटे पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि कूड़ा फेंकने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों में आपस में कहासुनी होने लगी और दूसरे पक्ष ने हम लोगों के ऊपर देसी असले से गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी है, इलाज के लिए गोरखपुर लेकर गए हैं। हमारे दरवाजे पे गंदगी फैलाने का मना किया गया, इनको मना किया गया, मतलब ब्रजेश यादव जी को मना किया गया, तो इन्होंने कट्टा से गोली मार दी। कहाँ पे क्या मना कर रहे थे आप लोग, कब से ये बात चल रहा है? ये बात सुबह हो रही थी, तो मतलब बात से बात हो रही थी, तो उन्होंने कह रहा है कि ठीक है मैं भी बताता हूँ, बताने के बाद चला कर कट्टा ठोक दिया।